नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन स्टैटिक जीके में आज हम बात करेंगे विभिन्न देशों के संसद के नाम, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले कल हमने कराया था आपको स्टैटिक जीके में भारत के शास्त्रीय नृत्य। हमने बताया था आपको कि भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 बताई हैं। साथ ही हमने बताया था आपको कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। हम भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंध रखता है, वहीं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक उत्तर भारत से, वहीं सत्रिया असम से संबंध रखता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बताएंगे देश और देश की संसद का नाम, यानी कि उस देश में जो संसद उसको क्या कहते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें, भारत में संसद का नाम संसद ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, इसकी संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। यानी आगे पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। हम आपको बता दें, पाकिस्तान की संसद का नाम एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। आगे जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। आगे यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। बांग्लादेश, जिसकी संसद का नाम है जातीय संसद। वह इजराइल, जिसकी संसद का नाम है नेसेट। जापान, जिसकी संसद का नाम है डाइट। हम आपको बता दें, यूएसए, बांग्लादेश, इजराइल, जापान, इन सभी के संसद के नाम एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, वहीं जापान की संसद का नाम है डाइट। हम आपको बता दें आगे, वहीं मालदीव की संसद का नाम है मजलिस, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है संघीय संसद, वहीं स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। हम आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट से मालदीव और ऑस्ट्रेलिया की संसद के नाम इम्पोर्टेंट है। हम आपको फिर से बता दें, मालदीव की संसद का नाम है मजलिस, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है संघीय संसद यानी फेडरल पार्लियामेंट। आगे नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हम आपको बता दें, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। वहीं रसिया की संसद ड्यूमा, जिससे कि SSSC में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि रसिया की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। और वहीं चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये तीनों भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। भारत और भारत के पड़ोसी देशों की संसद तो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है ही। आगे फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ईरान की संसद का नाम है मजलिस। हम आपको बता दें, इससे पहले हमने बताया था आपको मालदीव के संसद का नाम, उसका नाम भी मजलिस था। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। वहीं अफगानिस्तान की संसद का नाम है सूरा, कहीं आपको सोरा भी देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें, अफगानिस्तान की संसद का नाम एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान की संसद बनाने में भारत ने मदद की थी। आगे तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, पोलैंड की संसद का नाम है सेजम, वहीं मंगोलिया की संसद का नाम है खुराल। हम आपको फिर से बता दें, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सूरा या सोरा, तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, पोलैंड की संसद का नाम है सेजम, मंगोलिया की संसद का नाम है खुराल। आगे वहीं स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली, नीदरलैंड की संसद का नाम है स्टेट जनरल, ब्राजील का संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। हमने आपको बताया कुछ इंपोर्टेंट देश और उनकी संसदों के नाम। हम आपको बता दें, इनमें भी आपको पोलैंड की संसद का नाम सेजम, मंगोलिया की खुराल और वही अफगानिस्तान की सोरा भी कहते हैं इसे सॉरी, जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। वही ईरान की संसद का नाम मजलिस, इसके अलावा मालदीव की संसद का नाम भी मजलिस है। हमने आपको बताया था रशिया की संसद का नाम ड्यूमा,
जो कि एक बार एग्जाम में भी आ चुका है SSSC में। आगे नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत यानी नेशनल पंचायत, जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता दें। आगे इसके अलावा हम आपको बता दें, हमने इसे भूटान की संसद का नाम नहीं है, भूटान की संसद का नाम भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, वो है तनसो गडू, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। भूटान की संसद का नाम है तनसो गडू। हमारे आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू। और भारत की संसद